गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। आज जन रसोई आपने शुरू की है, आपके सामने थाली भी पड़ी हुई है। अब कई बातें आती हैं कि आखिर एक तो सरकार आपकी नहीं है, फिर भी आप शुरू कर रहे हैं, आप इसमें कोई सरकारी पैसा भी नहीं लगा रहे हैं, अपने दम पर शुरू कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये आइडिया नायाब है, अलग है, और इसको कैसे आगे जारी रखें? देखिए, पहली बात यह है कि सबसे जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की, वो है खाना। अगर आप किसी को खाना भी नहीं दे सकते, आपने वायदा किया था कि आप 100 जन रसोई खोलेंगे और आप एक भी जन रसोई नहीं खोल पाए, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते गए, तो हमारा जो लक्ष्य ये है कि दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, इतना हम कम से कम दिल्ली की जनता को दे सके, और उसी तरीके से और उसी सोच से हमने ये जन रसोई शुरू करी है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये जो जन रसोई है इसमें बहुत सारे आपके फोटोग्राफ लगे हुए हैं, जो क्रिकेटर गौतम गंभीर की बातें और पुरानी कहानियां याद दिलाता है, तो कहीं लगता है क्या कि एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स, प्लेयर्स तो आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, लेकिन आप कुछ अलग तरीके का देना चाहते हो अपने इलाके में, कि रसोई भी आपने एक रुपए की थाली भी शुरू की, एक स्पोर्ट्समैन, एक युवा भी आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये किस तरीके का प्रयोग है, क्या है? लेकिन पहली बात अलग तरीके की चीज़ नहीं है, और भी कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर जन रसोई खुली हुई है, लेकिन दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली ये पहली जन रसोई है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि हम 100 जन रसोई खोलेंगे और एक भी नहीं खोल पाए, तो जो मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे वो हम कोशिश करें कि हम करें, और कम से कम दिल्ली की जनता को भूखा ना सोने दें। ठीक है, फ्री बिजली दे सकते हैं, फ्री पानी दे सकते हैं, अगर आप फ्री पानी देते हैं कम से कम पानी ऐसा तो दें कि लोग पी तो सकें उसको। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके देखें किस तरीके का फ्री पानी है, कि लोग नहा भी नहीं सकते उस पानी से, लेकिन हमारा जो विजन ये है कि हम पूरी दिल्ली की जनता को ये चाहते हैं कि वो भूखे पेट ना सोए। एमसीडी ने भी, उसमें तो आपकी सत्ता है, वहां पर भी जन रसोई शुरू की गई थी, वो बंद हो गई। अब आप शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि इससे ना तो केंद्र सरकार का लेना देना है, ना एमसीडी का लेना देना है, आप अपने स्तर पे कर रहे हैं, उसका एमपी फंड से भी लेना देना नहीं है। तो आपने एक तरफ तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी का भी तो जो इतिहास है वो वही रहा। तेरह हजार करोड़ जब तक एमसीडी को देंगे तो एमसीडी इस तरीके से चलेगी कैसे? ठीक है, आप हर चीज में राजनीति करते, चीज में तेर का आप कहां पर है सीएम साहब के पास? इसके बावजूद आपने जो जो प्रोमिसेस किए हैं, जन रसोई आपने शॉप खोलने की बात करी, आपने नए कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्कूल, कहा है वो सारे? आपको मोहलत नहीं है, कहां पर है, कहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा, कितना पैसा लगाया आपने? दिवाली पे पूजा करते हैं, 6 करोड़ आप बोलते हैं हमने 6 करोड़ खर्च किए, 6 करोड़ से तो कहीं ज्यादा खर्च किए, इनकी मेहनत की कमाई अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। मैं भी पूजा करता हूँ, आप भी पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं दिवाली के शुभ दिन पर, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिवाली पर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जनता के पैसे पे। चल, ये सवाल आप पूछें उनसे। ये थाली सजी है और उम्मीद यही है कि ये पेट भरती रहेगी, बंद नहीं होगी, और लगातार ये जो प्रयोग है ये सफल एक प्रयोग के तौर पर रहेगा।